पूरा पाइनएप्पल के चंक्स भर रहे हैं और उसके आगे जूस ग्लास में फिल हो रहा है। मतलब जूस में सबसे नीचे पाइनएप्पल के चंक्स गिरते हैं और ऊपर से पाइनएप्पल का जूस गिरता है। और ये आप देख सकते हो ऊपर बहुत बड़ी टैंक है जिसमें से जूस पूरा ये छोटे से टैंक में आता है, फिर इससे पूरा फील होता है, सब ग्लास फील होता है। नासिक में जो रविवार कारंजा नाम के एक जगह है, जो सर्कल है, उसमें ये समर्थ जूस सेंटर है नासिक में। पाइनएप्पल का पल्प बताया वो अभी इस टैंक में वो भैया डालेंगे, फिर इसमें से ही पूरा फिल होके ग्लास में फिल होता है। ये पूरा पल उनका इस ट्यूब में से पूरा इनका पल्प आता है और यहाँ पे देख सकते हो ये ऊपर से जो जूस यहाँ पर ऊपर से ये पूरा इनकी टंकी ऊपर वहाँ से इसको पूरा जूस फील होता है और ये टंकी में से फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो फ्रेंड्स अभी ये मशीन में से पाइनएप्पल जूस आएगा और आप देख सकते हो पीछे वो जहाँ से पूरा पाइनएप्पल के चंक्स भर रहे हैं और उसके आगे जूस ग्लास में फिल हो रहा है। मतलब जूस में सबसे नीचे पाइनएप्पल के चंक्स गिरते हैं और ऊपर से पाइनएप्पल का जूस गिरता है। और ये आप देख सकते हो ऊपर बहुत बड़ी टैंक है जिसमें से जूस पूरा ये छोटे से टैंक में आता है, फिर इससे पूरा फील होता है, सब ग्लास फील होता है। और फिर जो चंक्स और जूस होता है उससे अच्छी तरीके से प्रॉपर ये मिक्स कर देता है ताकि चंक्स नीचे ना रह जाए और जब हम पी सके तो पूरे चंक्स भी हमें हमारे जूस में आ सके। और ये पूरा मेकिंग मतलब बहुत अच्छा है, मतलब ये मशीन से फील होता है और नासिक में बहुत फेमस है ये जगह समर्थ जूस सेंटर। फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देते ऊपर से। और ये क्या कितने साल में खुला था नासिक में? 1958। तो ये 1958 से नासिक में है और इसके अभी नासिक में 2 से 3 ब्रांच है और फिर इसके ऊपर ये पाइनएप्पल का आइसक्रीम भी डालते हैं। तो जूस में पाइनएप्पल जूस में और ऊपर से पाइनएप्पल का आइसक्रीम, मतलब ये जूस का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है ओवरऑल। और ये पूरा मेकिंग पूरे दिन चालू रहता है क्योंकि यहाँ पर रश भी बहुत सारा रहता है। और इन्होंने ये इस पर भी आइसक्रीम भर दिया और अभी इसके बाद ये लोग जो पार्सल में ये आप देख सकते हो ये कप देता है तो उसका भी फील ये मशीन में ही होता है। ये प्लास्टिक के जो कप्स होता है अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक होता है और पार्सल में ये लोग ऐसे पैक करके देते हैं तो उसमें भी ये सेम प्रोसेस ही होती है।
और इसे अच्छी तरीके से इन्होंने मिक्स कर दिया है। और ये जो ग्लास पहले जो वहाँ पर आप देख सकते हो पाइनएप्पल के चंक्स गिर रहा है और उसके बाद वो ग्लास में जूस गिर रहा है और फिर यहाँ पर ये एक ट्रे में सब सेट करता है, फिर उसको मिक्स करता है अच्छी तरीके से, फिर इसके बाद ऊपर से वो आइसक्रीम डालता है। तो आप लोग कभी भी नासिक में हो तो आपको ज़रूर ये जगह ट्राई करना चाहिए। और अभी इसके ऊपर ये पाइनएप्पल का आइसक्रीम है ना, और ये भी आप ही बनाते हो, और ये पूरा पाइनएप्पल का आइसक्रीम है। और तकरीबन रोज कितना आइसक्रीम लगता है? सीजन पे डिपेंड करता है। फिर भी रोज कितने अपने ग्लास मतलब कितने डिमांड है अपने जूस की रोज? हाँ भैया, रोज अपनी कितनी डिमांड है अपने जूस की? ओके, तो सर बिजी है, वो हमारे आंसर नहीं दे पा रहा है। तो आप देख सकते हो कंटिन्यू जूस के ग्लास फिल हो रहा है और कंटिन्यू कस्टमर आता है और ग्लास फटाफट निकल जाता है। और ये पार्सल के लिए ग्लास रखा है। और ये भैया ने पार्सल करके दिया, मतलब जैसे कस्टमर आते हैं उनके सामने आइसक्रीम डाल के फिर उसे पैक करके पार्सल में देते हैं। और ये पार्सल के रेट है 45 रुपीज़। और अगर यहाँ पर आपको ये पीना हो तो आपको ये कांच के ग्लास में मिलता है 40 रुपीज़ में। तो आप देख सकते हो कि इनका पैकिंग भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कोई प्लास्टिक के बैग में पैक करके नहीं देते, ये अच्छे मतलब बॉटल जैसा है प्लास्टिक, उसमें अच्छी तरीके से पैक करके देता है। और ये ग्लास मतलब जिसको यहाँ पर बैठ के पीना हो वो लोग ग्लास में पी सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर रश। और ये मेकिंग इनका सेम चालू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो पाइनएप्पल के चंक्स गिरते हैं आप देख सकते हो इधर, ये पाइनएप्पल का एक पल्प होता है जो नीचे पाइनएप्पल का पल्प गिरता है। ये पाइनएप्पल का पल्प है। और ये पूरे मशीन में सब फिक्स होता है, यहाँ पर पाइनएप्पल का पल्प होता है, पाइनएप्पल के चंक्स होते हैं और उस साइड पाइनएप्पल का जूस होता है। इससे काफ़ी इजी हो जाता है मतलब बनाना, बहुत कम लोगों में ये काम भी हो सकता है, मतलब ये काफ़ी एक अच्छा है, कुछ यूनिक है। सो नासिक में हो तो ज़रूर ये ट्राई करना, समर्थ जूस सेंटर। और ये जैसे जैसे कस्टमर्स मांगते हैं वैसे ये ऊपर से आइसक्रीम डाल के कस्टमर्स को देता है। और ये अपना जूस रेडी है।